नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश। आज हम लोग बात करेंगे यूपीपी से जो 24 अक्टूबर को लेकर एग्जाम है उस पे। अभी हम लोग उन सेगमेंट को कर रहे हैं जिन पे आप सभी का ध्यान नहीं रहता और अंतिम दिनों में पढ़ाई करते हैं, ठीक है, और काफी टॉपिक छूट जाते हैं। तो हम उन दिनों में ये अंतिम दिनों में वो चीज डिस्कस कर रहे हैं जो आपको एक बार सरसरी नजर से देखना और आपको जब एग्जाम में आएगा तो आपको सही आंसर करना, ठीक है, क्योंकि इसे रटना नहीं, इसको बस 2 मिनट में समझना है। मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आपको याद करना पड़ेगा, कुछ चीजें हैं जो ऑटोमेटिक समझ में आ जाए, आपको लॉजिकल समझ में आ जाए, ठीक है। तो उन चीजों पे हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ से जो छोटे छोटे नंबर मिलेंगे ना, मतलब एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन हर टॉपिक से आएंगे ना, वो आपको क्या करेंगे, आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई कराएंगे। क्योंकि बच्चे मॉडर्न हिस्ट्री सबको ही पढ़ रहा है, पॉलिटिक्स सबने रट के रखा है, लक्ष्मीकांत, ठीक है, सबने आधुनिक भारत पढ़ लिया, यानी जितना भी है सिलेबस सबने पढ़ लिया, लेकिन कुछ अलग जो है ये छूट रहा है, ठीक है, उन लोगों का, और तुम लोगों को यही क्लियर करना, ठीक है, और यही क्लियर करके आप एग्जाम में क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। प्रीलिम्स क्वालिफाई करना, अभी आप ज्यादा आगे तो ना सोचे कि मेरा मेंस या इंटरव्यू, अभी वहां नहीं, अभी सिर्फ आपको बेसिक में क्या होना चाहिए, प्रीलिम्स कैसे क्वालिफाई करना, ठीक है। तो अभी हम लोगों को सिर्फ प्रीलिम्स के बारे में सोचना है कि प्रीलिम्स कैसे क्वालिफाई करना है, और जब ये आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए उसके बाद आप जैसे ही आप एग्जाम देके आए रेस्ट करें एक दिन का, उसके बाद आप आंसर, मतलब अपना आंसर एनालिसिस करें कितने सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है। अगर आपको लग रहा है मेरा क्वालिफाई हो रहा है तो आप मेंस की ताबड़तोड़ तैयारी शुरू कर दें, ये आपका होना चाहिए अभी, ठीक है। फिलहाल अभी 24 अक्टूबर को यानी इसी संडे को है, अब हमारे पास ज्यादा दिन बचे नहीं, 3 से 4 दिन बचे, इसमें क्या करना है कैसे करना है, तो सीधी सी बात पहले चीज बता रहा हूँ, मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाल दिया अपने यूट्यूब पर, देख लेना, और जिन लोगों ने नहीं देखा उसको यहाँ पे भी बता देता हूँ। देखो भाई, यहाँ पे इस टाइम आपको सिर्फ जितना एक साल पढ़ा उसी का रिविजन करो, ज्यादा ही गलत ना भागने के लिए, 10 STM मेरी कर लो सिलेक्शन करा देंगे, 20 STM मेरी कर लो सिलेक्शन करा देंगे, मेरे नोट्स पढ़ लो सिलेक्शन करा दें, कुछ ऐसा नहीं, या पीडीएफ खरीद लो सिलेक्शन करा दें, कुछ ऐसा कोई महारथी नहीं, अगर ऐसा होता तो भाई साहब वो यहां ना कोचिंग ना पढ़ा रहे होते, ठीक है, सीधी बात है। मैं हां, हर टीचर करा सकता है, मैं ये नहीं कर रहा, लेकिन उनके लिए होना चाहिए ना कि आप 3-4 दिन में कैसे सिलेक्शन, भाई पीसीएस कोई आप ये तो है नहीं कि मतलब कोई भी एकेडमिक एग्जाम कर रहा है भाई नहीं इतना 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 सिलेबस है उतना, भाई पीसीएस ब्रॉड है, तुमको सब कुछ पता है, ठीक है, इसलिए आपने जितना पिछले एक साल में पढ़ा है अपने आप से उतना ही उसका रिवीजन करो, और कुछ चीजें अथेंटिक है जिनको आपको बस रिवीजन करना, मतलब आपको यहां पे पढ़ना कुछ नहीं सिर्फ रिवीजन करना, और ज्यादा प्रेशर लेकर नहीं जाना, एग्जाम क्वालिफाई होगा सबका होगा अच्छी तरीके से, जो मेहनत करेगा उसका होगा, सबका तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जो मेहनत एडवांस मेहनत कर ले जाएगा उसी का क्वालिफाई होगा, जो अच्छी तरीके से पढ़ा यानी एनर्जेटिक तरीके से पढ़ा है, जो सही तरीके से पढ़ा है, यानी कि आप आज पॉलिटी पढ़ रहे कल मॉडर्न हिस्ट्री पता चले ये सारी चीजें छोड़ जा रहे, तो भाई यार यहां से पॉलिटी सबने पढ़ रखी है, मॉडर्न हिस्ट्री सबने पढ़ रखी है, आदमी भारत सबने पढ़ रखी है, ठीक है, जो भी ज्योग्राफी सबने पढ़ के रखी है उसको भी पता है कि जो धारा होती है कैसी होती है सबको पता है, ठीक है, बेगुल हास धारा कैसी होती है सबको पता है कैसी होती है, क्योंकि जब बच्चा पढ़ने आता है एक साल मेहनत करता है तो ये सब पता है, लेकिन हमको उन्हीं को रिवीजन करना और साथ साथ इन सब चीजों के बारे में ध्यान देना, ठीक है। तो हम लोग चलिए देखते हैं आज हम क्या देखेंगे, रिफाइनरी और उनका उत्पादन क्षमता, यानी भारत में जो रिफाइनरी है उनके बारे में जान करेंगे, यानी कब एस्टैब्लिशमेंट, उनकी उत्पादन क्षमता कितनी है, कहाँ कहाँ है, क्या नाम, ठीक है, ये सब क्वेश्चन बनते हैं, तो वहां पर देखते हैं। पहला क्या है, पहली जो रिफाइनरी है डिगबॉय इंडियन ऑयल, ठीक है, पहली कौन सी, डिगबॉय इंडियन ऑयल, डिगबॉय इंडियन ऑयल असम में स्थित है, इसकी स्थापना 1901 में हुई थी, और इसकी जो जितनी भी क्षमता है सब लाख टन में होगा, ठीक है, सब लाख टन में होगा, और इसकी जो क्षमता कितनी, 5 लाख, ये पॉइंट है भाई साहब, लो हमने सीधा बात कर दिया, 5 लाख टन, यानी इसकी जो उत्पादन क्षमता है एक प्रतिवर्ष पूछ रहा हूं भाई, प्रतिवर्ष है ये, ठीक है, प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता यानी कितनी है, क्षमता कितनी है, 5 लाख टन, ठीक है। उसके बाद आपके दूसरी ट्रांबे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कोऑपरेशन, ये को का मतलब कोऑपरेशन लिमिटेड, ठीक है, दूसरी कौन सी है, ट्रांबे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कोऑपरेशन लिमिटेड, तो अब देखो ट्रांबे मतलब बॉम्बे, तो ये कहां हुई, महाराष्ट्र में, ठीक है, 1954 में एस्टैब्लिशमेंट हुई है, और इसकी जो इसकी क्षमता है कितनी, 55 लाख, कितनी है, 55 लाख टन, ठीक है। उसके बाद दूसरी क्या है, दूसरी थी ट्रांबे हिंदुस्तान पेट्रोलियम, और तीसरी है ट्रांबे भारत, यानी जहां हिंदुस्तान है वहां पे भारत कर दो, और बाकी पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड सब कुछ वही है, और ये भी कहां है, बॉम्बे में, यानी जहां ट्रांबे वहां बॉम्बे, जहां ट्रांबे वहां बॉम्बे, बॉम्बे कहां है, महाराष्ट्र में, ठीक है। और पहली वाली 1954 में, दूसरी वाली एक साल और बढ़ा दो, दूसरे नंबर पे, यानी पहले के बाद दूसरा था छोटा बड़ा भाई, उसके बाद छोटा भाई, तो उससे एक साल छोटा घटा दो, 1955 में, और लेकिन हाँ इसकी जो क्षमता है वो ज्यादा है, पहले वाले 55 थी, दूसरे वाली कितनी, 60 है, यानी जो ट्रांबे भारत हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड कोऑपरेशन लिमिटेड, उसकी क्षमता कितनी है, 60 लाख टन, ठीक है, प्रतिवर्ष, ठीक है, 60 लाख टन। उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी कौन सी, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम जो है HPCL है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कोऑपरेशन लिमिटेड, HPCL का मतलब क्या, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कोऑपरेशन लिमिटेड, ये कहां पे, ये आंध्र प्रदेश में, कहां पे, आंध्र प्रदेश में, 1957 में एस्टैब्लिशमेंट हुई, और इसकी जो क्षमता है कितनी है, 45 लाख टन, कितनी है, 45 लाख टन, ठीक है,
45 लाख टन, ठीक है। इसकी यानी इसकी क्षमता प्रतिवर्ष कितनी है, 45 लाख टन। एस्टेब्लिशमेंट कभी 1957 में, कहां, आंध्र प्रदेश में, नाम क्या, विशाखापट्टनम एचपीसीएल, ठीक है। उसके बाद क्या, नून मती, अरे एक मिनट यार भाई, इसका थोड़ा देखो, ये नून वरोनी अलग, ये नून मती है, ठीक है। क्या है, नून मती इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नून मती इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, नून मती इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। कहा ये असम है, असम में पहली भी थी डिगबोई और दूसरी क्या नून मती आयल, ये कब 1962 में पहली, कभी 1901 में, ठीक है, 1901 के बाद 1962 में। और इसकी जो क्षमता है कितनी है, 8.5 लाख, कितनी है, 8.5 लाख टन, और पहली वाली कितनी थी, 5 लाख टन, ठीक है। तो दूसरी जो है 1962 में क्षमता कितनी है प्रति वर्ष, ठीक है, प्रति वर्ष कितनी क्षमता है, 8.5 लाख टन, कहां है, असम में, और नाम क्या है, नूनमती IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद जो अगली है बरौनी, बरौनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ये कहां, बिहार में, बिहार आपका, बिहार, बिहार में है बरौनी, सबको पता है ना, बरौनी वाली जो ट्रेन जाती है रेलवे स्टेशन, बरौनी जाने के लिए वाया, ठीक है, गया होके जो जाती भाई, ऐसे कुछ मैंने सुना है, याद नहीं है, ठीक है, बरौनी, बरौनी IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बिहार, ठीक है। इसकी स्टैब्लिशमेंट कभी 1964 में, इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई, 1964 में, और इसकी जो क्षमता है प्रतिवर्ष कितनी है, 33 लाख टन, ठीक है, यानी इसकी जो क्षमता है प्रतिवर्ष कितनी है, 33 लाख, यानी 33 लाख टन प्रतिवर्ष है इसकी क्षमता, स्टैब्लिशमेंट कभी 1964 में, कहां है, बिहार में। तो इसकी क्षमता कितनी है, 33 लाख टन है, ठीक है, और प्रतिवर्ष है, उसके बाद इसकी कितनी प्रतिवर्ष 33 लाख है टन, ठीक है। उसके बाद कितनी 1964 में बिहार में बरौनी IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद जो अगली कोयली है, कोयली है, कोयली कौन सी है, कोयली OICL यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, कोयली OICL, ये कहा गुजरात में, आपके गुजरात में एस्टैब्लिशमेंट कभी 1965 में। तो IOCL जो एस्टैब्लिशमेंट देख रहे हो, पहली सबसे पहले OICL की कहां हुई, 1962 में असम में, उसके बाद बिहार में 1964 में, उसके बाद 1965 में कहां, कोयली गुजरात में, और इसकी जो है 95 लाख टन, और यानी अब तक की जितनी हमने पढ़ी सबसे ज्यादा, यानी कौन सी सबसे ज्यादा ऐसी है रिफाइनरी जहां पे सबसे ज्यादा स्टोर होता है, तो कोयली IOCL, ठीक, गुजरात जो है, उत्पादन क्षमता इसकी कितनी है प्रतिवर्ष, कितनी उत्पादन क्षमता, 95 लाख टन, ये उत्पादन क्षमता होती है, ठीक है, 95 लाख टन, ठीक। उसके बाद अगली कौन सी है, कोच्चि CRL, कोच्चि CRL कहां, केरल में, कोच्चि कहां है, केरल में, 1966 में हुई है, 1966 में इसकी कितनी है, 45 लाख टन, यानी कोच्चि CRL की क्षमता कितनी है प्रतिवर्ष उत्पादन की, तो 45 लाख है, कितनी है, 45 लाख है, 1966 में, कहां है, केरल में, ठीक है। अगली जो चेन्नई, चेन्नई MRL कहां है, चेन्नई MRL तमिलनाडु में, सभी को पता है तमिलनाडु का एक राज्य है, सॉरी एक डिस्ट्रिक्ट है चेन्नई, ठीक है, तमिलनाडु की कैपिटल भी चेन्नई है, ठीक है। तो चेन्नई MRL और 1966 में, सॉरी 1969 में एस्टैब्लिशमेंट, सॉरी तमिलनाडु, चेन्नई MRL का दिमाग कभी कभी काम नहीं करता है, चेन्नई MRL का मतलब ध्यान से देखिए, चेन्नई MRL का है तमिलनाडु में 1966 में, और इसकी जो क्षमता है प्रतिवर्ष कितनी है, 56 लाख टन, यानी कि जो चेन्नई MRL है प्रतिवर्ष कितना उत्पादन कर सकती है, 56 लाख टन, कब हुई थी एस्टैब्लिशमेंट, 1969 में, ठीक है, 1969 में, ठीक है, और कहां पे, तमिलनाडु में। कुछ और महत्वपूर्ण है जिनको हम अगली स्लाइड में देखते हैं, चलिए अगली जो इंपॉर्टेंट है अगले देखते हैं, आगे अगली महत्वपूर्ण है, अगली देखते हैं, अगली कौन सी महत्वपूर्ण है, अगली है हल्दिया IOCL यानी हल्दिया इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये कहां है, हल्दिया कहां है, एक आपको हल्दिया राजमार्ग, जल राजमार्ग याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, हल्दिया जल मार्ग आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है, कल अच्छा उसको भी करा देते हैं, ठीक है, जितने वाटरवेज हैं कल उसको करा देते हैं, ठीक है। तो पहला हल्दिया IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ये कहां, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में, हल्दिया कहां पे आपका, पश्चिम बंगाल में, ठीक है, कहां, 1975 में, हल्दिया जो कब एस्टैब्लिशमेंट है, 1975 में, इसकी जो 27.5 लाख यानी 27.5 लाख टन है इसकी जो प्रतिवर्ष क्षमता उत्पादन क्षमता, ठीक है। उसके बाद बोगाई गांव, बोगाई का है आपका असम है, बोगाई आपको असम ज्योग्राफी में याद आ रहा होगा, बोगाई कुछ किस चीज के लिए था, बोगाई किस चीज के लिए था, याद आ रहा होगा ज्योग्राफी, ठीक है, ये बोगाई, बोगाई गांव भी आर PL, ठीक है, बोगाई गांव भी RPL, ये क्या 1979 में, कब हुआ 1979 में, ठीक है, 1979 में, कब हुआ 1979 में, ठीक। इसकी जो क्षमता है एक वर्ष में उत्पादन क्षमता कितनी है, 13.5 लाख टन, ठीक है। उसके बाद अगला है मथुरा, यूपी का एकमात्र है IOCL क्या है, उत्तर प्रदेश में मथुरा में एस्टैब्लिशमेंट कब हुई, 1982 में, और ये इसकी जो क्षमता है कितनी है प्रतिलाख प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता कितनी, 75 लाख टन प्रतिवर्ष इसकी उत्पादन क्षमता। अब क्वेश्चन यहां से बनेगा, अगर उत्तर प्रदेश का पेपर देने जा रहे हो, अगर पूछा जाए क्वेश्चन, तो ये 90% कह सकते कि इस क्वेश्चन के चांस ज्यादा रहेंगे, ठीक है, कि मथुरा IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन स्थित है, जिसकी पहला स्टेटमेंट बता रहा, स्टेटमेंट वाइज आएगा, ठीक है। मथुरा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन
जो 1982 में स्थित किया गया था, इसकी उत्पादन क्षमता 75 लाख टन है। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश की पहली रिफाइनरी है। अब इसमें पूछ लेगा कौन सा कथन सत्य है या असत्य, ऐसा करके दो कथन दे देगा, स्टेटमेंट आपने पूछ लिया। अब उसके बाद अगर आपको पता है कि हाँ ये उत्तर प्रदेश की पहली है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपी 1982 में, उत्तर प्रदेश 1982 कहाँ स्टैब्लिश हुई, मथुरा में, ठीक है, यूपी के मथुरा में, और इसकी जो उत्पादन क्षमता है 75 लाख टन, तो आप दोनों कह दोगे। अगर सत्य पूछ रहा तो दोनों लगाओगे, अगर असत्य पूछ रहा तो उसमें लगाओगे ना तो एक ना तो दो। ठीक है, ये सही हो गया आपका, तो यानी मथुरा वाला क्लियर हो गया। उसके बाद अगला क्या, नुमालीगढ़ IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन नुमालीगढ़, इसका कहाँ एस्टेब्लिशमेंट हुई, असम में कब हुई, 1999, और इसकी जो उत्पादन क्षमता एक लाख एक साल में कितनी है, 30 लाख टन, कितनी है 30 लाख टन, एक साल में कितनी है 30 लाख टन। उसके बाद अगला कौन है, जामनगर, जामनगर आरपी, ठीक है, जामनगर आरपी कहाँ, गुजरात में है, 1999 इसकी हुई, और विश्व भारत की सबसे ज्यादा कितनी, 270 लाख टन, यानी भारत की जितनी भी रिफाइनरी है उसमें सबसे बड़ी क्षमता है इसकी एक प्रतिवर्ष, ठीक, उत्पादन की क्षमता 270 लाख। तो कौन सी है, जामनगर आरपी। तो भारत में सबसे ज्यादा रिफाइनरी की क्षमता किसके पास है, तो जामनगर आरपी के पास है, जो गुजरात में स्थित था 1999 में, ठीक है, कितनी है 270 है। ठीक है, अगर ये भी स्टेटमेंट में आ सकता है इसी मथुरा वाले के साथ जोड़ के, ठीक है, दो तीन पूछ लेंगे, कंफ्यूजन है। उसके बाद अगला क्या, करनाल, करनाल IOCL फ्यूजन नाउ, ठीक है, करनाल IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कौन सी कब है, देखो मथुरा के साथ अगर कोई भी पूछ ले भाई, जब भी पूछे, तो इसीलिए मैं एक एक करके विस्तार से बता रहा हूं, कंफ्यूजन हो, ठीक है। तो करनाल IOCL हरियाणा में कहां है, हरियाणा में 1998 में 60 लाख टन, ठीक है, 60 लाख टन। देखो जिसका जिस ईयर में बर्थडे वो तो याद ही कर लो भैया, कि वो तो आपको याद ही होना चाहिए, ठीक है। तो करनाल IOCL हरियाणा 1998 60 लाख टन, यानी कि जो करनाल IOCL है कहाँ, हरियाणा में स्थित है, इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब, 1998, इसकी क्षमता प्रतिवर्ष की उत्पादन क्षमता कितनी है 60 लाख टन, कितनी है 60 लाख टन। उसके बाद जो अगली है, मंगलोर HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मंगलोर HPCL कर्नाटक में कहाँ, मंगलोर कहाँ, कर्नाटक में, एस्टैब्लिशमेंट कब, 1998, यानी कि हरियाणा करनाल वाला मंगलोर वाला, देखो करनाल एक ही और मंगलोर एक ही रिदिम में निकल रहा है ना, तो उसी हिसाब से याद कर लो, एक IOCL है, एक HPCL है, मंगलोर HPCL है और करनाल IOCL है, हरियाणा 1998 में कब 60 लाख टन जो करनाल है, उसके बाद मंगलोर HPCL कर्नाटक में 1998 में 30 लाख टन, यानी जस्ट इसका हाफ है, ठीक है, 30 लाख टन। उसके बाद पानाकुंडी, पानाकुंडी का IOCL ये कहा, तमिलनाडु में 1999 में, इसकी जो क्षमता है कितनी 5 लाख टन। तो यानी पानाकुंडी की IOCL जो है कहा, तमिलनाडु में इस्टैब्लिशमेंट 1999 में, कितनी क्षमता है 5 लाख टन, ठीक है। उसके बाद अगला है पंचप्रदा, पंचप्रदा HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहाँ है, राजस्थान में, यानी पंचप्रदा HPCL कहाँ है, पंचप्रदा HPCL राजस्थान में, इसकी जो एस्टैब्लिशमेंट है 2013 से 2017 लगभग 4 से 5 सालों में लग गया, और इसकी जो क्षमता है कितनी 9 लाख टन, कितनी है 9 लाख टन प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता, ठीक है। उसके बाद अंतिम जो है बीना BRIOL एमपी में है, इसकी एस्टैब्लिशमेंट 2011 में, और इसकी जो क्षमता है कितनी है 6 मीट्रिक टन, कितनी है 6 मीट्रिक टन है। तो यानी बीना BRIOL एस्टैब्लिशमेंट कब हुई, तो 2011 में हुई, कहां है, एमपी में है, ठीक है, और इसकी जो उत्पादन क्षमता है प्रतिवर्ष कितनी 6 मीट्रिक टन। आई होप दोस्तों ये चीज आपको समझ में आई, अगर अच्छा लग रहा है ये सेगमेंट तो लाइक करो, शेयर करो, ये सेगमेंट अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू दोस्तों, बाय गुड नाइट, जय हिंद, पढ़ते रहे दोस्तों, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, जय हिंद दोस्तों, जय।